दोस्तों रिलायंस जियो के तरफ से और एक नया प्रोडक्ट लॉन्च हुआ है जिसका नाम है जियो मिट। अब दोस्तों इस प्रोडक्ट से हम और आप क्या बेनिफिट ले सकते हैं, क्या है इसका काम, इसी को जानने के लिए यह वीडियो आप लोगों को देखना होगा। तो मैं हूं आपका दोस्त अतनु, चलिए जान लेते हैं। दोस्तों जियो मिट नाम के एक प्रोडक्ट पिछले दिनों जियो के तरफ से अनाउंस किया गया है। अब दोस्तों इस प्रोडक्ट के नाम से ही हम और आपको पता चल रहा है कि यह एक मीटिंग बेस्ड एप्लीकेशन है। अब दोस्तों यह प्रोडक्ट तीनों ही प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध होने वाला है। फिलहाल के लिए सिर्फ वेबसाइट पर ही इसको अवेलेबल किया गया है और आगे आने वाले समय में iOS और Android के लिए भी इसको अवेलेबल किया जाएगा। दोस्तों फिलहाल जबकि ये वेबसाइट पर अवेलेबल है तो इसमें जो काम होता है वो होगा मीटिंग, मतलब वीडियो कॉन्फ्रेंस। दोस्तों आप लोगों को पता ही होगा कि पिछले महीने हमारी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के होम डिपार्टमेंट के तरफ से एक रेजुलेशन निकाला गया था जिसमें कहा गया था कि जूम एप्लीकेशन जो कि आज के दिन में सबसे पॉपुलर एप्लीकेशन है मीटिंग करने के लिए, यूं कह लीजिए कि वीडियो कॉलिंग या फिर वीडियो मीटिंग करने के लिए, तो उसको सेफ नहीं माना गया था। तो इसी को देखते हुए जो मार्केट वैकेट हुए हैं उसको फुलफिल करने के लिए बहुत सारे कंपनी आज के दिन में एक एक करके एंट्री कर रहा है। तो उसी कड़ी में और एक नया कंपनी जो कहे रिलायंस जियो, उसने भी दांव आजमाने के बारे में सोचा और जियो के तरफ से ये प्रोडक्ट लाया गया है। दोस्तों इसके बारे में, मतलब जियो मीट के बारे में ज्यादा कुछ इंफॉर्मेशन अभी आया नहीं है, लेकिन जो भी है वो मैं आप लोगों के साथ भी शेयर कर देता हूं। दोस्तों इसमें कहा गया है या फिर इसका जो स्पेशल फीचर अभी तक है वो है कि HD कॉलिंग आप लोग कर सकते हैं, मतलब जब भी कोई वीडियो कॉल या फिर वीडियो कॉन्फ्रेंस करेंगे उसमें HD क्वालिटी के वीडियो दिखाई देगा। इसके साथ दोस्तों फिलहाल आज के दिन में ये सिर्फ 5 कैंडिडेट या फिर 5 लोगों के साथ आप इसको यूज कर सकते हैं और आगे आने वाले समय में इसको और भी ज्यादा लोगों के साथ यूज किया जाए या फिर और भी ज्यादा लोगों के साथ मीटिंग में इंक्लूड किया जाए, इसके बारे में भी काम हो रहा है और वो भी बहुत ही जल्द आ जाएगा। अब इसमें मैं और भी कुछ बातें ऐड कर दूं, फिलहाल इस दौर में बहुत सारे कंपनी आ गए हैं और कुछ आगे आने वाले समय में आने भी जा रहा है, जैसे कि व्हाट्सएप ने पहले ही अनाउंस कर दिए हैं कि वो लोग भी वीडियो मीटिंग एप्लीकेशन लाने जा रहा है या फिर व्हाट्सएप के थ्रू ही आप उसको भी कॉन्टेक्ट कर सकेंगे, जिसमें आज के दिन में 4 ही जनों से आप लोग बात या फिर वीडियो कॉल कर सकते हैं। उसमें फीचर आ रहा है कि 8 जनों से फिलहाल के दिन में आप बात कर सकेंगे, वो भी शायद इस हफ्ते या अगले हफ्ते उसको भी लॉन्च कर देंगे व्हाट्सएप। इसके अलावा दोस्तों आप जानते हैं कि गूगल के जो ड्यू या फिर गूगल डुओ जो भी आप कह लीजिए वो प्रोडक्ट ऑलरेडी मार्केट में एग्जिस्ट है और जिसके तहत भी आप वीडियो मीटिंग कर सकते हैं। इसके अलावा और भी बहुत सारे कंपनी आज के दिन में है और बहुत सारे आने भी वाले हैं। देखना होगा कि कौन अच्छे तरीके से और अच्छे क्वालिटी के साथ, इसके अलावा कौन सबसे कम डेटा यूज करने वाले ऐप होते हैं, तो जो भी होगा वो बाजी मारेगा इस मार्केट में। फिलहाल के लिए देखना होगा कि क्या आगे होता है और क्या क्या इस बारे में डेवलपमेंट होते हैं। अब दोस्तों बात कर लेते हैं दूसरी इंफॉर्मेशन जो कि वोडाफोन और आइडिया के तरफ से। दोस्तों यहां पर कहा गया है कि 8 ऐसे सर्कल है जहां पर आइडिया के पोस्टपेड यूज करने वाले जो भी है, कौन कौन सा 8 सर्कल है वो मैं यहां पर दे दूंगा, आप देख लीजिए। अब दोस्तों जो भी आइडिया के पोस्टपेड यूज करते हैं इन 8 सर्कलों में, उनके नंबर ऑटोमेटिकली वोडाफोन के रेड वाले जो पोस्टपेड है उसमें कन्वर्ट हो जाएंगे, मतलब आइडिया से शिफ्ट होकर वोडाफोन में आ जाएगा वो सारी की सारी लोग। और इसके रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन है वो आइडिया के वेबसाइट पर ऑलरेडी वो लोग डाल दिए हैं, तो अगर आप लोग चाहें तो उसको भी जाकर चेक कर सकते हैं। तो दोस्तों फिलहाल यही दो इन्फॉर्मेशन था जो कि मुझे आप लोगों के साथ शेयर करना था, तो मैंने वीडियो बनाकर इसको शेयर कर दिया। अब मुझे लगता है कि ये जो इन्फॉर्मेशन है या फिर ये दोनों इन्फॉर्मेशन आप लोगों को काफी अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो जरूर हमारे वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर कर दीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।